हेलो, आज तक एआई में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एआई एंकर सना। भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम ने छठी बार आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई है। भारतीय टीम ने सेमीफाइनल के रोमांचक मैच में साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी। इस मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान उदय सहारण का बल्ला जमकर बोला। इस टूर्नामेंट में अब तक उनके नाम 3 अर्धशतक और 1 शतक है। टूर्नामेंट में आगे भी उनके बल्ले से प्रशंसकों को काफी उम्मीदें होगी। बात करें आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की, तो भारत ने सबसे ज्यादा 5 बार इस टूर्नामेंट को जीता है। आज हम बात करेंगे भारत के उन 5 कप्तानों की जिन्होंने देश को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया है। इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर है यश धुलका। यश की कप्तानी में भारत ने साल 2022 का अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था। टूर्नामेंट में यश के बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें खरीदा। अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद यश आईपीएल में कुछ कमाल नहीं कर सके। फिलहाल वो दिल्ली के लिए रणजी मैच खेलते हैं। अगले खिलाड़ी हैं पृथ्वी शॉ। साल 2018 में भारत ने पृथ्वी शॉ की कप्तानी में आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था। उन्होंने इस विश्व कप के बाद आईपीएल में नाम कमाया, घरेलू क्रिकेट में परचम लहराया। इसके बाद उन्हें भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेलने का मौका मिला, लेकिन शॉ की फॉर्म में ऐसी गिरावट आई कि उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। उनका नाम कई विवादों में भी आया। साल 2019 में पृथ्वी शॉ विवादों में तब आए थे जब बीसीसीआई ने उन पर बैन लगा दिया था। उनके कफ सिरप में कुछ ऐसी चीज थी जिससे वो डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए थे। तब बोर्ड ने उन पर 8 महीने का बैन लगाया था। फिलहाल वो टीम में वापसी की राह देख रहे हैं। अब बात करेंगे उन्मुक्त चंद की। उन्मुक्त की कप्तानी में टीम इंडिया ने 2012 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था। चंद को अगला विराट कोहली कहा जाता था, लेकिन वो कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रख सके और इस वजह से टीम इंडिया से दूर होते चले गए। आज वो भारतीय क्रिकेट से संन्यास लेकर अमेरिका शिफ्ट हो चुके हैं और अब जल्द ही वहां की नेशनल टीम के लिए खेलते नजर आ सकते हैं। अब बात विराट कोहली की। भारतीय टीम की रन मशीन और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने साल 2008 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था। इस कामयाबी के बाद विराट ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने सीनियर टीम की तीनों फॉर्मेट में कप्तानी की, टीम को एक नई बुलंदी पर पहुंचाया। आज वो भारतीय टीम की बैटिंग लाइनअप की ताकत है। मोहम्मद कैफ की कप्तानी में भारतीय टीम ने पहली बार अंडर 19 वर्ल्ड कप साल 2002 में जीता था। इसके बाद कैफ ने सीनियर टीम इंडिया में अपनी जगह बना ली। कैफ ने भारत के लिए 13 टेस्ट और 125 वनडे खेले हैं। आपको ये पेशकश कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।